alaikum students, how are you? Hope you are also fine. Class three English. Today are day sixteen. Unit number eight. Unit number eight. Per talk. Per talk. Let us start our lesson. Bookwork. Bookwork me hai. Use the following pair of rhyming words in a single sentence. Use the given example for help. यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स के जो पेयर्स हैं इन सिंगल्स यूज़ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स के जो तो, टू वर्ड है, पेर है, dance, हैं पेयर हैं राइमिंग वर्ड्स के इन अ सिंगल सेंटेंस उन्हें सिंगल सेंटेंस में यूज़ करें यूज़ द गि एग्जाम्पल फॉर हेल्प आपकी हेल्प के लिए एक एग्जाम्पल दी हुई है एग्जाम्पल में है वर्ड है जे एंड डे ये रामिंग वर्ड्स हैं उनको उन्होंने टू वर्ड्स हैं उनको एक ही सेंटेंस में यूज किया हुआ है जैसे रॉबिन एंड जे टॉक्ड अबाउट वन डे ऐसे ही हम इन टू पेयर ऑफ रामिंग वर्ड्स को यूज करते हुए इनको सिंगल इनका सिंगल सेंटेंस बनाएंगे नेक्स्ट है किंग रिंग किंग रिंग सेंटेंस एक ही होगा उसमें दोनों ये पेयर्स होंगे किंग रिंग किंग हेयर द रिंग किंग खेंगर द रिंग Grow, no. Grow, no. We know that how plant it grow. We know that how plant it grow. Next, eh? tree, tree. Tree, tree. Three birds are sitting on the tree. Three birds are sitting on the tree. Repeat it again. King, ring. King hear the ring grow, no. We know that how plant it grow. Tree, tree. थ्री बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री आई होप की आपको समझ आ गई होगी थैंक यू अल्लाह हाफिज